ही मन करता है। उसने हंसकर कहा, पर मुझ में ऐसा क्या है, मुझसे बढ़कर तो इंसान है। अरे नहीं होती इतनी सादगी हर किसी में, नहीं होती इतनी सादगी हर किसी में, और ना ही होती है इतनी नम्रता हम सब में। ना ही तुमने किया कोई घमंड आज तक, इसके बावजूद कि निर्भर है तुम पर सब। निस्वार्थ भाव है तुम में जिस तरह, काश मैं भी अपना जीवन व्यतीत करती उस तरह। ये सुनकर एक सरल सा उत्तर उसने दिया, जिसने मुझे शायद शर्मिंदा किया। बनाया है प्रभु ने मुझको ऐसा, तो इस पर करूँ अभिमान कैसा। चाहिए है केवल दृढ़ इच्छा, पावन सोच और मन सच्चा। चाहिए है केवल दृढ़ इच्छा, पावन सोच और दिल सच्चा। नमस्कार, मैं अंजलि। मैं छोटी अंजलि। हमारे आज के गेस्ट ऑफ ऑनर स्वामी अखिलानंद जी व शिवाश्रितानंद आनंद माता जी, जो कि हमारे साथ DLS ऋषिकेश से हमारे बीच पधारे हैं। कर्नल JS कन्वर, हु इज़ अ प्राउड फादर ऑफ मार्टियर संदीप सांखला अशोक चक्र पोस्ट ह्यूमसली, आशी हरियाणा के मेंबर्स, वॉलेंटियर्स, टीचर्स, बच्चे और आए हुए सभी मेहमानों को तहे दिल से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज हम यहाँ आशी हरियाणा की स्वर्ण जयंती समर्पण के इस शुभ अवसर पर को मनाने के लिए एकजुट हुए हैं। समर्पण का मतलब है कि किसी भी कार्य को करने के लिए अपना तन मन धन उसमें पूर्ण रूप से लगा देना। जैसा कि किसी देश के फौजी नौजवान अपने देश के लिए समर्पित होते हैं, भक्त भगवान को समर्पित होते हैं, और कुछ लोग दूसरे मनुष्यों की निस्वार्थ सेवा में समर्पित होते हैं। आज हम ऐसे ही समर्पण की बातें देखेंगे, सुनेंगे, जहां आशी परिवार से जुड़े सभी लोगों ने मिलजुल कर दूसरों को निस्वार्थ सेवा की और इस संसार को बेहतर बनाने में अपना योगदान दिया। ये सब लोग एक गुलाब के फूल के जैसे हैं, जिनके बारे में बताने में की कुछ खास ज़रूरत नहीं होती है। वो जहाँ भी जाएं, वो अपनी खुशबू बिखेरते चले जाते हैं। अब मैं सीमा मैम और अरुण सर से निवेदन करती हूँ कि वे हमारे मुख्य अतिथि, हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर स्वामी अखिलानंद जी, माता शिवाश्रितानंद माता जी और कर्नल कन्वर जी को मंच पर लाएं, ताकि हम दीप प्रज्वलित कर इस उत्सव का शुभारंभ करें।
अब मैं सीमा मैम से अनुग्रह करती हूँ कि वे हमारे मेहमानों का स्वागत करें फूलों के गुलदस्तों से। कर्नल कन्वर, स्वामी अखिलानंद जी, शिवाश्रितानंद माता जी, हमारे बीच कुलदीपक लाल अंकल हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं। अब मैं आशी हरियाणा के प्रेसिडेंट डॉक्टर विभा तलुजा आंटी से निवेदन करती हूँ कि वे मंच पर आए और हमारे मेहमानों को आशी हरियाणा के प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएं। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज बहुत ही एक सुंदर ये मौका बना है जब हम सब इकट्ठे हुए हैं। आज तो सूर्य देवता ने भी थोड़ा अपना प्रकाश हमें दिया है जो कि पिछले 3 दिन से कहीं गायब हुआ हुआ था। और आज के मुख्य हमारे जो अतिथि डीसी पंचकुला माननीय मुकेश आहूजा जी, उनका अभी अभी मुझे मैसेज मिला कि वो 5-10 मिनट अभी लेट हो रहे हैं, लेकिन हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट कर लें ताकि बच्चे लोग ऐसे बैठ के रेस्टलेस ना हों। सो आज हमने इसीलिए अभी स्टार्ट कर दिया है प्रोग्राम, बट वो बहुत जल्दी ही हमें ज्वाइन करने वाले हैं। पूज्य स्वामी अखिलानंद जी महाराज, स्वामी शिवाश्रितानंद माता जी और साथ ही आज के बहुत ख़ास मेहमान हमारे बीच में जो आज पधारे हैं, माननीय कर्नल J.S. कंवर जी, जो कि बहुत प्राउड फादर हैं अशोक चक्र अवार्डी संदीप सांकला के, उनका मैं अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। हमारे बीच हमारे सीनियर सीनियर फाउंडर मेंबर्स में से एक श्री कुलदीपक लाल जी भी आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। अंकल, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही हमारे जो इंस्पिरेशन पिछले 10 साल तक बने हैं हमारे इस आशी परिवार में, हमारे प्रेसिडेंट के रूप में मेजर जनरल इंद्रजीत सिंह ढिल्लन और मिसेस ढिल्लन, आपका बहुत वेलकम है, स्वागत है। एफलाल कांसल जी, जो कि रिटायर हुए थे बहुत ही अच्छी पंजाब गवर्नमेंट की पोजीशन से एज चेयरमैन पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, और उन्होंने इतनी निस्वार्थता से इस एसोसिएशन के साथ आज तक अपना जो नाता बना रखा है, उनके भी यहाँ उपस्थित होने के लिए मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और ब्रिगेडियर ग्रेवाल, ब्रिगेडियर दुग्गल एंड मिसेस दुग्गल, आप सब का भी बहुत स्वागत है हमारे इस प्रांगण में। और सभी आशी परिवार के जितने भी सब मेंबर्स हैं, परिवार बहुत बढ़ रहा है, बड़ी खुशी की बात है। और मैं देख रही हूँ ये हॉल भी आज मुझे पूरा भरा दिख रहा है, जबकि कल हम एक फंक्शन ऑलरेडी कर चुके हैं अपने आधे मेंबर्स बच्चों के साथ, लेकिन फिर भी आज हमारा ये
हॉल पूरा भरा ही दिखाई दे रहा है, बहुत खुशी हो रही है ये सब देखकर। आज का खास जो ये दिन है हम मना रहे हैं गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन के रूप में, बहुत ही यूनिक संस्था ये बनकर उभरी है जिसे हम आशी हरियाणा के नाम से जानते हैं, लेकिन इस सोसाइटी ने इसको हमेशा आशियाना के नाम से ही पुकारा है, जाना है, पहचाना है। इस सोसाइटी ने, आशी हरियाणा ने आशियाना के नाम से ही समाज में अपनी सेवाएं 51 वर्षों से दी हैं, जो कि बहुत ही सराहनीय एक बात है कि इतने सालों में भी आज तक किसी ने आशियाना के नाम पे कभी कोई आँच नहीं आने दी है। इसको हमेशा एक बहुत ही रिस्पेक्टफुल नाम और पोजीशन सोसाइटी में मिला है। हम सब बहुत भाग्यशाली हैं जो आज एकत्रित होकर हम डॉक्टर मामगेन आंटी के द्वारा लगाए इस पौधे को बड़ा हो, एक वृक्ष के रूप में पनपता फैलता देखने के लिए उपस्थित हैं, और इस हाफ सेंचुरी लॉन्ग जर्नी के विटनेस भी बने हैं। आज एक और इम्पॉर्टेंट कोइंसिडेंस शेयर करूंगी, यही वर्ष मामगेन आंटी का सेंटिनरी ईयर भी है, उनका 101st बर्थ ईयर आज हम यहीं पे मना रहे हैं। आंटी ने इस शहर के प्रबुद्ध समाज को इस संस्था के साथ जोड़कर एक बहुत सुंदर सांचे में ढाला। गवर्नर हरियाणा हमेशा से ही हमारे चीफ पैट्रन रहे, और पीएच वैष्णव जी हमारे बीच में अभी तो नहीं हैं, लेकिन वो हमारे फाउंडर मेंबर्स में से एक थे। सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन जो हमने आंटी से सीखा वो था टू लिव सिंपल एंड फोकस ऑन द वर्क। She would always say, lesser the more, means utilize your resources to the fullest, maximum work with minimum resources and maximum output. Volunteers have always been our strength. And recently, I want to share, we have lost two of our pillars of strength. One was श्री एस डी भामरी अंकल, जो कि हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी रहे, एंड सेकेंड अ वेरी इम्पॉर्टेंट वेरी डियर मेम्बर श्री सुधीर खुल्लर जी, जो कि अभी रिसेंटली अपनी कैंसर की फाइट को नहीं सर्वाइव कर पाए। नीलम खुल्लर जी, वी आर ऑलवेज विद यू, स्टैंडिंग इज दिस एट दिस टाइम ऑफ ट्रिबुलेशन। पिछले 10 वर्षों में जनरल ढिल्लन ने इस संस्था की प्रेसिडेंट की पोजीशन में बागडोर संभाली रखी। कुछ ऐसे अहम कदम लिए गए जिसका एक सुंदर स्वरूप आज हम देख रहे हैं। अब आशियाना अपनी बाउंड्रीज पार कर समाज के उस हर बच्चे और महिला से जुड़ा जो भी जीवन में आगे बढ़ने की, कुछ कर गुजरने की चाहत रखता है। हमारे समाज की बहुत मजबूरियां हैं, बड़े परिवार, कम रोजगार, हर लोकेलिटी में स्कूल्स होने के बावजूद भी एजुकेशन की कमी दिखाई देती है, और बच्चे अधिकतर क्वालिटी एजुकेशन से वंचित ही पाए जाते हैं। आनंद शिक्षा एक ऐसा नया प्रोग्राम हमारे इस कार्य में जुड़ा, जो कि अपने आप में एक मॉडल समाज को देता है। इसी से प्रेरित हो हमारे आसपास का हर बच्चा इस प्रोग्राम से अब जुड़ना चाहता है। पोटेंशियल बहुत है, पॉसिबिलिटीज़ की भी कमी नहीं है। जब एक मार्गदर्शन, मॉरल सपोर्ट और हर कदम पर बड़ों का साथ और आशीर्वाद मिला, इसी ने आनंद शिक्षा के बच्चों को
एक अलग पहचान दे दी। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारे आशियाना के ही बच्चे भी हमारा साथ निभा रहे हैं। आज का प्रोग्राम इन सब बच्चों के साथ के बिना शायद असंभव था। इतना ही नहीं, रूरल स्कूल्स में जाकर और बच्चों को मैथ साइंस पढ़ाना, मोटिवेट करना, मदद करना, यह सब हमारे बच्चों का एक नेचर ही बन गया है। हम तो शायद थक ही जाते, लेकिन इन बच्चों की एनर्जी ने हमें भी एनर्जाइज कर दिया। हमारी बेटियों बहनों के लिए एक आशा की किरण बना हमारा नवचेतना सेंटर फॉर स्किल डेवलपमेंट। यहाँ सभी को मौका मिला है अपनी पहचान बनाने का, कुछ सीखने का और परिवार को खुशहाल करने का। सबसे बड़ी बात, इस संस्था का हर वॉलेंटियर और मेंबर हमेशा तत्पर रहता है अपना कुछ देने का, वो चाहे लाइफ स्किल्स हों, एक्सपीरियंसेस हों, या कोई भी एकेडमिक सपोर्ट हो, पौष्टिक आहार हो, या स्कॉलरशिप्स हों, या कोई किसी भी प्रकार की फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत, बस सब कुछ किया जाता है बिना किसी रिवॉर्ड और रिकग्निशन की इच्छा से। सब साइलेंटली सेवा में लगे रहते हैं। आज हम इसी जज्बे का ये आउटकम देख रहे हैं, एक सुंदर बृहद परिवार उन्नति की राह पर बढ़ता हुआ। पंचकुला क्षेत्र के गांव हों, कॉलोनीज हों, या जहां तक भी पहुंच पाए, जैसे थापली, मांदना, बीड़ घग्गर या राजीव कॉलोनी, इंदिरा कॉलोनी, बुढ़नपुर, मौली जागरा, या फिर रामपुर पुड्डा जो कि जीरकपुर पंजाब के एरिया में आ जाता है, बच्चों ने आगे बढ़ने का जोश भरना ही हमारा हमेशा प्रयास रहा। आशियाना परिवार के द्वार सदा वॉलेंटियर्स के लिए खुले हैं। जनरल ढिल्लन हमेशा कहते हैं, प्लीज़ लीव योर ईगो आउटसाइड द गेट ऑफ आशियाना। इस पर मुझे महादेवी वर्मा की कुछ पंक्तियाँ याद आ रही हैं, जो कि कुछ ऐसे हैं। आ गए तुम, द्वार खुला है, अंदर आओ पर तनिक ठहरो, ड्योढ़ी पर पड़े पायदान पर अपना अहम झाड़ते आना, अपनी व्यस्तताएं बाहर खूंटी पर ही टांग आना, बाहर के लोलते बच्चों से थोड़ी सी शरारत लेते आना, वो गुलाब के गमले में मुस्कान लगी है तोड़कर पहन आना। प्रेम और विश्वास की मध्यम आंच पर चाय चढ़ाई है, घूंट घूंट पीना, और सुनो, इतना मुश्किल भी नहीं है जीना, इतना मुश्किल भी नहीं है जीना। वेलकम सर, डीसी पंचकुला श्री मुकेश आहूजा जी हमारे बीच में हैं, वी वेलकम यू सर। एक बहुत ही लाउड एंड बोल्ड डिक्लेरेशन है, जो हमें हमारे ऋषियों से, मुनियों से मिली है, जिसका कि मैं एक ट्रांसलेटेड वर्जन ही बोलूंगी। वेक अप, ओपन योर आईज एंड बिहोल्ड गॉड बिफोर यू इन दिस मैनिफेस्ट क्रिएशन। लिव टू सर्व एंड एडोर द लिविंग गॉड। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस हियर टुडे। थैंक यू। थैंक यू आंटी। जय जय गुरु नानक प्यारे, जय जय गुरु नानक प्यारे, त्रुम पगटे तो हुआ उजाला, दूर हुए अंधियारे। मानव सेवा परमार्थ का मार्ग हमें दिखलाया, दीन दुखी से प्रेम करो यह मंत्र हमें सिखलाया। एक बार फिर आकर कर दो अंतर में उजियारे, जय जय गुरु नानक प्यारे, जय जय गुरु नानक प्यारे। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, हाल ही में हमने श्री गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश उत्सव मनाया है।
तो इस प्रोग्राम का भी शुभारंभ हम एक शब्द से करेंगे जो कि सृजन भारत के बच्चे जीरकपुर प्रोजेक्ट के बच्चों की प्रस्तुति है, जिसके शब्द कुछ ऐसे हैं, ऐसी प्रीत करो मन मेरे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।
श्रीमद् भगवद गीता का 12वां अध्याय भक्ति योग के नाम से जाना जाता है। श्री कृष्ण बताते हैं, भक्ति सगुण हो या निर्गुण, दोनों ही भक्त उसी ईश्वर तक पहुंचते हैं। इसलिए अर्जुन, मुझ में मन को लगा, मन ना लगे तो भी लगाने का अभ्यास कर। यह भी करने में असमर्थ है तो तू कर्म कर, और यदि यह भी ना कर पाए तो तू आत्मवान तत्वज्ञ महापुरुष की शरण होकर संपूर्ण कर्म फलों का त्याग कर। श्री कृष्ण फिर एक सच्चे भक्त की विशेषताओं का वर्णन करते हुए बताते हैं कि वह भक्त संपूर्ण भूतों में द्वेष भाव से रहित है, करुणा से युक्त और दयालु, ममता और अहंकार से रहित, जो स्वयं भी किसी से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता और जिससे ना किसी को उद्वेग प्राप्त होता है, जो निंदा और स्तुति में समान हो, ऐसा भक्त मुझको प्रिय है। अतः मेरे समर्पण हो जा। समर्पण के साथ इस कर्म में प्रवृत्त होना श्रेष्ठ है। भगवद गीता का गायन आशी परिवार की एक नियमित गतिविधि रही है। आज बच्चे हमें उसी की एक झलक देने के लिए अध्याय 12 के श्लोकों का गायन आपके सामने करेंगे। आशियाना के बच्चे, चिंत्यं च कुटस्थं अचलं ध्रुवं सन्नी
आवेशित चेतसाम मय्येव मन आधस्व मयि बुद्धि निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अत उद्वन संशय अथ चिन्तं समाधातुं नाशक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो मामेच्छान्तु धनञ्जय अभ्यासे अप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अथ तदप्यशक्तोऽसि कर्तुमद्योगमाश्रित सर्वकर्मफलत्याग ततः कुरु यतात्मवान् श्रेयो हि ज्ञान अभ्यासा ज्ञानाध्यानं विशेष्यते ध्यानकर्मफलत्याग त्यागाच्छान्ति अनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रकरुण एव च निर्ममो निरहंकार समदुःख सुखक्षमी संतुष्ट सततम् योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मय्यापित मनो बुद्धि यो मद्भक्त समे प्रिय यस्मानो द्विजते लोको लोकानो द्विजते चय हर्षामर्षभयोद्वेगे मुक्तो य स च मे प्रिय अनापेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथ सर्वारम्भ परित्यागी यो मद्भक्त स मे प्रिय यो न हर्षति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मान्य समे प्रिय समशत्रो च मित्रे च तथा मानपमानयो शीतोषण सुख दुःखेषु समसंग विवर्जित तुल्या निन्दा स्तुतिर्मौनि संतुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थिरं मति भक्ति मान्य प्रियो नर ये तु धर्म्यामृतं विदं यथोतं पर्युपासते श्रद्धा धाना मत परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रिय ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशो अध्यायः मैं जब आशियाना में पहली बार आई थी तब ऐसा लगा ना जाने कहाँ आ गई हूँ, बिल्कुल ही नई दुनिया, इतने सारे बच्चे, इतनी चहल पहल और सब अनजान चेहरे। मगर वो अनजान चेहरे जो कि पराए लगते थे आज मेरा परिवार बन गए हैं। केवल बच्चे ही नहीं, यहाँ के बड़े जिन्होंने हमेशा हमारी सभी ज़रूरतों को पूरा किया है और हमें एक बेहतर इंसान बनाने का
सदैव प्रयास किया है, वे भी हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुके हैं। किस तरह से शुक्रिया करूँ आप सबका, ज़मीन से उठाकर दिल में बिठा लिया, नज़रों में समाकर पलकों पे सजा लिया, इतना प्यार दिया आपने हमको कि हमारे बिखरे शब्दों को एक कविता बना दिया। अब आशियाना के बच्चे इस आभार प्रकट करने के करते हुए अपनी भावनाएं अभिव्यक्त करने आ रहे हैं नन्हे से कदम लेकर। नन्हे से कदम लेकर जब आए पहली बार, नन्हे से कदम लेकर जब आए पहली बार, थामी हमारी उंगली उस टीचर को हमारा प्यार। तो बोलो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कदम लेकर जब आए पहली बार, नन्हे से कदम लेकर जब आए पहली बार, थामी हमारी उंगली उस टीचर को हमारा प्यार। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। शायद हम बच्चे अक्सर अपने बड़ों का आप सबका आभार प्रकट करने में असमर्थ रहते हों, परंतु हम हृदय से हमेशा आपके आभारी रहेंगे। और हम कितनी भी कोशिश कर लें, जो सब आपने हमें दिया है हम उस सब के लिए हमेशा आपके ऋणी रहेंगे। अब आगे बढ़ते हुए, जैसा कि स्वामी परमहंस योगानंद जी ने कहा, एक प्रार्थना जो मजबूत और गहरी है निश्चित रूप से भगवान का जवाब प्राप्त करेगी। तो आज इस शुभ अवसर पर हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वे हमेशा हमारा मार्गदर्शन करें और हम पर अपनी असीम कृपा बनाए रखें। अब आनंदा शिक्षा सेक्टर 21 के बच्चे आपके सामने एक प्रार्थना प्रस्तुत करेंगे, इबादत करो।
joyful noise unto the Lord, all ye lands. Serve the Lord with gladness. Come before his presence with singing. बच्चे हमारे साथ कुछ समय पहले ही जुड़े हैं, परंतु थोड़े समय में इन्होंने इतनी काफ़ी अच्छी इतना काफ़ी सीख लिया है। उम्मीद है आप सबको ये पसंद आया होगा। जब भी हम बच्चों की बात करते हैं तो हमारे जहन में मासूम खिलखिलाते और खेलते कूदते बच्चों की तस्वीर आ जाती है। खेल कूद बच्चों के जीवन का अहम हिस्सा होता है, और हॉबी क्यों ना, बच्चों के शारीरिक व मानसिक विकास के लिए स्पोर्ट्स है ही इतना ज़रूरी। अगर ये खेल दृढ़ इच्छा शक्ति से और अनुशासन से खेला जाए तो देश का नाम रोशन किया जा सकता है। जैसा कि इस साल हमारे देश के कई खिलाड़ियों, खासतौर लड़कियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतकर देश का नाम विश्व में रोशन किया है। भारत का नाम हुआ खेल खेल में, चर्चा ये आम हुई खेल खेल में।
जज्बात बढ़े, मुल्क के लिए इज्जत बढ़ी, देखो ये काम हुआ खेल खेल में। इन्हीं भावनाओं को दर्शाते हुए आपके सामने प्रस्तुत है आनंदा शिक्षा सेक्टर 15 के बच्चों की ये प्रस्तुति। सब ने बच के रहियो बागड़ दिल्ली से, चंडीगढ़ से या दिल्ली से, तने कारो खाने चित कर देगी, तेरे पुर्जे फिट कर देगी, डट कर देगी, तेरे दाव से बढ़ के पेंच पलट कर देगी, चित कर देगी, चित कर देगी। ऐसी धाकड़ है, 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 धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है। बड़ा बोले अब कुछ करिए, ओ कोई तो चल जिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल जिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। चक दे, चक दे इंडिया,
चले जियाले झूम झूम तब जग में होगी धूम धूम देखेगी दुनिया घूम घूम हम सबको हरा के घर लाएंगे जोश है लक्ष्य का इनको होश होश कभी इनको न देना दोष दोष हम सबको हरा के घर लाएंगे है जो नया ये सफर इनका देखो कहां तक ले जाए किसको है पता इनको ये रास्ता मंजिल दिखाए ना दिखाए हमारी जो अगली प्रस्तुति है वो एक बहुत ही मार्मिक विषय पर है, तो जब तक बच्चे उस प्रस्तुति की तैयारी करते हैं तब तक आपके मनोरंजन के लिए पेश है एक कव्वाली।
चखी